हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे बिहार का फेमस स्नैक चूरा का भुजा या चिड़वा का भुजा। इसे बिहार में शाम के नाश्ते में खाया जाता है और आप इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। 2 से 3 दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चूरा का भुजा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में या पैन में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। इसे धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। बिहारी खाना ज़्यादातर सरसों के तेल में बनता है, इसलिए अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद ना हो तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 1/2 कप कच्ची मूंगफली और लो फ्लेम पर मूंगफली को चटकने तक और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये हो गई है, इन्हें निकाल लेते हैं और अब इन्हें ठंडा होने देंगे। जब ही ठंडी हो जाएंगी तो ये और भी क्रिस्प हो जाएंगी। तो अब इसी पैन में डालेंगे 1 मीडियम साइज की स्लाइस कट प्याज। इसी के साथ डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, 10 से 15 पत्ते करी लीव्स के और 2 हरी मिर्चें रफली कट करके डालेंगे और अब प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज का हल्का हल्का कलर ही चेंज करेंगे, अदरवाइज जब हम इसमें चिड़वा डालकर भुनेंगे तो प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और कड़वी लगने लगेगी। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 कप चिड़वा। इस तरह का फ्लैट चिड़वा आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसी चिड़वे से हम पोहा भी बनाते हैं। मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो बस अब लो फ्लेम पर चिड़वे को क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। वैसे आप एक चिड़वा निकाल कर चेक कर सकते हैं या खाकर देख सकते हैं कि वो अंदर तक क्रिस्प हुआ है या नहीं। तो चिड़वा परफेक्टली फ्राई हो गया है, ये अंदर तक क्रिस्प भी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई मूंगफली। मिक्स करेंगे तो हमारा क्रिस्पी चूरा का भुजा बनकर तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद कंटेनर में फिल करके आराम से 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। तो ट्राई करें ये टेस्टी स्नैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।